मैं लगभग 7 दिन के लिए आपके नगर में आया और लगातार 7 दिन तक आपको व्याख्यान के माध्यम से, संवाद के माध्यम से कुछ ऐसे विषयों पर बात करूंगा जो आपके जीवन में बहुत काम के हैं। दिन ब दिन आपकी अपनी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनमें उनकी बहुत सारी उपयोगिता हो सकती है। आज से और लगभग 7 दिन तक लगातार जो बात मैं करूंगा उसकी भूमिका के रूप में 2-3 आपको माहिती देना चाहता हूं। पहली माहिती तो ये कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी मराठी मिलाकर बात करूंगा। जहां भी आपको समझ में ना आए मेरी कोई बात, आप उसको तुरंत कहीं नोट कर सकते हैं, कागज पेन लेकर आए। फिर व्याख्यान के अंत में हर दिन आधा घंटे प्रश्नोत्तरी के लिए सत्र रहेगा, तो आप उसमें अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, जो बात समझ में नहीं आई उसको फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी माहिती जो मुझे आपको देनी है वो ये कि आज, कल और फिर आगे अगले 1 दिन, 3 दिन लगातार मैं आपसे आपके शरीर के स्वास्थ्य के विषय में बात करूंगा। उसके बाद 1 दिन आपसे रामकथा पर बात करूंगा, 1 दिन कृष्ण कथा पर बात करूंगा और फिर भारत कथा के बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन जो शुरुआत है आज से और अगले 2-3 दिन तक, वो आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य के विषय में है, ताकि आपकी अपने जीवन की बहुत सारी समस्याएं काफी कुछ 2-3 दिन के अंदर हल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। मैं व्यक्तिगत रूप से होम्योपैथी का डॉक्टर हूं और बहुत साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत अभ्यास करता हूं। तो पिछले कई वर्षों के आयुर्वेद के अभ्यास में से, होम्योपैथी के अभ्यास में से जो कुछ मुझे आपके स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में सरल माहिती, जिसको आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं, दे सकने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि आप कागज पेन लेकर बैठेंगे, कॉपी या नोटबुक लेकर बैठेंगे, तो आप बहुत सारी चीजें नोट कर सकेंगे, क्योंकि तो बाद में ये सब माहिती आपको कोई दूसरा व्यक्ति देगा, इसके लिए मुझे मालूम नहीं। इसलिए अगर आज आप कॉपी पेन नहीं लाए हैं तो कल से लाने की कोशिश जरूर करें। एक नोटबुक अपने साथ में रखें, एक छोटा सा पेन रखें और आपकी जो मातृभाषा है उसमें आप स्वयं नोट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर प्रश्न के रूप में उसे पूछ ले सकते हैं। आज के विषय की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय, हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में। हमारे भारत देश में आज की जो स्वास्थ्य और चिकित्सा की स्थिति है वो क्या है, वो आपको 5-7 मिनट में पहले मैं बता देना चाहता हूं। हमारा भारत देश 110 कोटि की लोकसंख्या का देश है और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्र सरकार का। इस स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार मैंने खत लिखा था और ये खत मैंने जब लिखा था उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज। उस समय भारत में एनडीए की सरकार चलती थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिल्ली में, जो केंद्र सरकार का है, एक खत लिखा था और उनको ये प्रश्न किया था कि भारत में 110 कोटि नागरिकों की जो लोकसंख्या है, इसमें कितने नागरिक ऐसे हैं जो संपूर्ण रीति से स्वस्थ है, जिनको कोई रोग नहीं है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनका शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, मन मस्तिष्क उनका एकदम स्थिर है और वो कह सकते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या पूरे भारत देश में कितनी है, ये मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार प्रश्न लिखकर भेजा था। स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय से उसका जो उत्तर आया वो बहुत लंबे समय के बाद आया और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो लिखा गया था वो ये कि ये जो प्रश्न आपने किया है इसमें बहुत सारी माहिती देश भर में से एकत्रित करनी पड़ी है, इसलिए समय बहुत लगा।
तो प्रश्न का उत्तर आया तो उसमें पता ये चला कि 110 कोटि की जो लोक संख्या है हमारे देश में, इसमें से लगभग 60 से 70 कोटि लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी और रोग के शिकार हैं। किसी को एक रोग है, किसी को दो, किसी को तीन, और कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको एक साथ बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी बीमारियां। फिर उस प्रश्न के दूसरे उत्तर के रूप में लिखा हुआ था पत्र में वो ये कि लगभग भारत में 30 से 40 कोटि लोग ऐसे हैं जो ये मान सकते हैं कि वो स्वस्थ हैं, जिनका शरीर काफी ठीक है, मन भी ठीक है, मस्तिष्क भी ठीक है, बुद्धि भी उनकी सही जगह काम कर रही है, वगैरह वगैरह। अर्थात हमारे देश की जो कुल लोक संख्या है उसमें से 70% लोक संख्या किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई ना कोई रोग उनको है। किसी को डायबिटीज है तो किसी को अर्थराइटिस है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को अस्थमा है, किसी को दमा है, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को रूमेटिड अर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस है। लगभग 148 बीमारियां हैं जो 60 से 70 कोटि लोक संख्या में फैली हुई है। इन बीमारियों पर खर्चा कितना होता है पूरे देश का, एक और प्रश्न मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को पूछा था, तो उन्होंने अलग अलग बीमारियों का कुछ खर्चा मुझे बताया। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की माहिती के अनुसार हिंदुस्तान में दर वर्ष हर साल 55 लाख लोगों को हृदय का ऑपरेशन होता है। हर साल 55 लाख लोगों को जो हृदय का ऑपरेशन होता है, तो अगर एक ऑपरेशन में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा मान लिया जाए, एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो, कभी कभी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, तो एक औसतन खर्चा अगर मान लिया जाए 2 से 2.5 लाख रुपए, तो अगर आप हिसाब जोड़ेंगे तो 55 लाख में 2 लाख का गुणा करना पड़ेगा। और अगर ये आंकड़ा आप निकालेंगे तो इतनी बड़ी रकम आती है कि कैलकुलेटर में आप लिख नहीं पाएंगे। कैलकुलेटर में मात्र 12 अंक आते हैं और 55 लाख में है, 2 से 2.5 लाख के गुणा को करेंगे तो 12 से ज्यादा अंक आ जाते हैं। एक और दूसरी माहिती, भारत सरकार में 5 कोटि, भारत सरकार की माहिती के अनुसार 5 कोटि लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह, शक्कर का रोग। अगर डायबिटीज के किसी भी साधारण मरीज को इलाज कराते आप देखेंगे तो इंसुलिन का इंजेक्शन अगर वो लेता हो रोज, तो महीने का खर्चा कम से कम 500 से 600 रुपए और साल का खर्चा औसतन 5000 रुपए। और वो डायबिटीज के मरीज को आप जानते हैं कि जीवन पर्यंत इंसुलिन लेना ही पड़ता है, तो अगर वो 20 साल जिंदा रहा तो 20 साल में 5000 का गुणा कर लीजिए और उसके बाद 5 कोटि नागरिकों के हिसाब से गुणा कर लीजिए, तो 70-80 हजार कोटि रुपए का खर्च निकलता है। इसी तरह से अगर गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, संधिवात हो गया है, ऐसे मरीजों की संख्या पूरे भारत में आप जोड़ेंगे तो 10 कोटि के आसपास निकलती है। इनका अगर रोज का खर्चा 20-25 रुपए से लेकर 200-250 रुपए तक आप माने तो 50-60 हजार कोटि रुपए इसमें खर्च होता है। इसी तरह की और बीमारियों का हिसाब जोड़ता मैं गया और सरकार की माहिती के अनुसार अंत में मुझे पता चला कि हमारे भारत के लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा का ही खर्च एक वर्ष का 5,42,000 कोटि रुपए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार का बजट भी 5 लाख कोटि के आसपास है, नागरिकों का बजट माने खर्चा एक साल का वो सरकार से भी जास्ती है। एक साल में भारत की सरकार जो बजट बनाती है 5 लाख कोटि का है, भारत के नागरिकों के चिकित्सा और स्वास्थ्य का खर्च एक साल का 5,42,000 कोटि रुपए का। मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी अपनी जिंदगी के खून पसीने की कमाई का पैसा 5,42,000 कोटि रुपए आप हर साल खर्च करते हैं, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है कि आप उस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। डायबिटीज के किसी भी मरीज को कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, वो कहता है कि इंसुलिन लेते रहो, जिंदगी चलाते रहो,
जब इंसुलिन बंद हो जाएगा तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। अगर गुर्गे दुखने वाले, कमर दुखने वाले किसी मरीज से बात करो और डॉक्टर के पास जाओ तो वो भी कहेगा पेन किलर है, जिंदगी भर खाते रहो, दर्द निवारक दवा है, जिंदगी भर खाते रहो, जब तक आपकी जेब देती है पैसे तब तक खाते रहो, नहीं तो दर्द इतना असहनीय हो कि आप मरने की ही प्रार्थना करो। कोई भी एक बीमारी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई गारंटी दे। आपने एंजियोप्लास्टी कराई है, डॉक्टर को आपने 2.5 लाख रुपए दिया है, तो उससे पूछो कि डॉक्टर गारंटी कितनी है, तो कहेगा कोई गारंटी नहीं है, कल दोबारा भी हार्ट अटैक आ सकता है। आज एंजियोप्लास्टी कराया, कल दूसरा अटैक आ सकता है। और मैं चूंकि खुद भी डॉक्टर हूं तो ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जिनको मैं देखता हूं कि एंजियोप्लास्टी कराया, एक बार नहीं दो बार कराया, दो बार नहीं तीन बार कराया, फिर भी तकलीफ वहीं की वहीं है और बहुत तकलीफ और परेशानी से वो कभी किसी हॉस्पिटल से आते हैं मेरे पास कि राजू भाई अभी आप ही हमारी कुछ मदद करो, आप ही हमारे लिए कुछ रास्ता निकालो। ऐसी तकलीफ की स्थिति संपूर्ण भारत देश में बनी हुई है।